अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। कैसे हैं? अच्छा सा वेदर इंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा से कैसे, सुबह ही सुबह होता है तो बहुत ज़ोरों पर जो है गर्मी होती है और एकदम कराची में चेंज आता है शाम के बाद से, जो बारिश का सिलसिला शुरू हो जाता है। दो तीन दिन से मैं इतनी रिकॉर्डिंग में बिजी थी तो मैं सुबह में जब आती थी कहती थी ओ माय गॉड आज तो गर्मी। आज चले कोई बात नहीं, गर्मी है, आराम से घर पहुँच जाएंगे। जब घर पहुँचने का और जाने का टाइम आता है इतनी ज़ोरों पर बारिश होती है कि पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लग जाता है। और यकीन है मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग होंगे जो ये चीज़ सफ़र कर रहे होंगे, थोड़ा सा बारिश को एंजॉय करते हैं और फिर बहुत सारी टेंशन्स झेल रहे होते हैं। और इसके साथ साथ बारिशों के साथ साथ मैं आज की मैं बात सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूं। यूजुअली हम कहते हैं ना बारिश होती है हम सोचते हैं जी पकौड़े खाएं, समोसे खाएं, कचौरियाँ खाएं, पूरियाँ, ये वो, इस तरह की तमाम फ्राइड आइटम ही हमें याद आता है और रिलेट भी बारिशों को इन्हीं फूड के साथ किया जाता है। लेकिन आपको पता है कि सबसे ज़्यादा हमारे लिए, हमारे स्टमक के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही करता है, थोड़ा खाएं, ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं। आई नो बारिशें हर दिन हो रही हैं, हर दिन करता है कि शाम की चाय के साथ हो जाए, चलें बारिश भी हो रही है, गर्मा गर्म चाय हो तो गर्मा गर्म, ये तमाम चीज़ें भी हों, अगर बना भी रहें तो घर पे बनाएं, बाज़ार के आई नो अच्छे लगते हैं, आसान हो जाता है, जाके ले लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ उन्हीं में ही होता है जो ओपन तमाम चीज़ें रखी होती हैं। इसके अलावा जी ये तमाम वो चीज़ें भी अवॉइड करें, लाइक जो फ्रूट्स आप बाहर से लेकर आ रहे हैं, कट करके लेकर आते हैं, वो अवॉइड करने हैं। आपने सिट्रस या बहुत ही खट्टी चीज़ें जो होती हैं जिसमें इमली का इस्तेमाल हो रहा हो, या फिर इसके अलावा पिकल्स हैं, अचार हैं, वो अवॉइड करने हैं आपने इस बारिश के दौरान की चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। और इसके साथ साथ वाटरमेलन नहीं खाना है आपने, आपको पता है वाटरमेलन आप नहीं खा सकते जब बारिशें हो रही हों। आप बहुत सारे और फ्रूट्स खा सकते हैं, लाइक पीचेस खा सकते हैं जो आजकल हैं, लीची हैं, चेरी हैं, बाकी पेयर्स वगैरह, ये तमाम फ्रूट्स आप आराम से खाएं, कोशिश करें। कहते हैं वेजिटेबल्स खाने चाहिए, सी फूड अवॉइड करना चाहिए। आप सोचें सी फूड नहीं खा सकते, क्योंकि कहते हैं जब ये मॉनसून होता है तो इसमें जो है ब्रीडिंग पीरियड जो है ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी ऐसी फ़िश खा लें जो जिसमें एग्स हों और फिर वो आपके स्टमक के लिए डेंजरस हो सकता है, यानी बहुत डेडली जो इन्फेक्शन होते हैं या पॉइजन हो जाता है, जो हम कहते हैं ना कि वो बहुत वॉमिटिंग्स, डायरिया, ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें ज़्यादा पॉसिबल है अगर आप सी फूड ड्यूरिंग रेन आप ये खाते हैं, लेकर आते हैं, बनाते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने अवॉइड करनी है बच्चों के लिए, अपने लिए, घर वालों के लिए, ताकि मौसम अच्छा है तो अच्छे ही रहे, हेल्दी ही रहे। तो ये तमाम चीज़ें नहीं, और कट वाला फ्रूट आपने ख़रीद के घर से नहीं लेकर, घर में लेकर नहीं आना, घर ला के ही अच्छे से वॉश करके इस्तेमाल करना अपनी ही घर की छुरियों के साथ। चलते हैं जी आपा की तरफ, आपा क्या बनाना सिखा रही हैं? ईद की तैयारियाँ आम शोर चल रही होंगी, मंडी में भी इतना इतना पानी होगा, जो लोग जा रहे होंगे मंडी वो भी परेशान होंगे, इतना इतना पानी और तमाम चीजें, लेकिन क्या करें, ये हिस्सा है तमाम बारिशों का। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, मजेदार, हर दिन अच्छा गुजरता है इंशाल्लाह, दुआ यही है, बहुत अच्छा सब ही गुजरे। देखिए ये दिन का अच्छा गुजारना या बुरा गुजारना हमारे अपने हाथ में भी कभी कभी होता है। हाँ, वैसे ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं आपके साथ, लेकिन आपको उनको खुद बेहतर करना होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी आपको खुश करने के लिए नहीं आएगा, आपको खुद खुश होना है, कुछ चीज़ें अपनी सही करनी है। ये अच्छी बात की आपने, है ना, खुश करने ही नहीं आता, कोई भी नहीं आता आपको खुद अपने आप को खुशी देने के लिए नहीं आएगा। और मैं इस चीज़ें बहुत ज़्यादा, मेरा कितना भी मूड ख़राब हो, कुछ हो, लेकिन मैं चाहती हूँ नहीं, मैं रिलैक्स रहूँ, क्योंकि मैं रिलैक्स रहूँगी तो मेरी चीज़ें अच्छी होंगी। ठीक है, मुझे गुस्सा आता है बहुत भरपूर तरीके से, आपको पता है, लेकिन जितनी स्पीड से आता है स्पीड से नीचे भी आ जाता है ना, तो हमारा गलत बात पे आती ही होता है, इंसान परेशान भी होता है, चीज़ें भी होती हैं, लेकिन क्या है कि अगर आप अपनी चीज़ों को और ज़्यादा सोचेंगे उतनी चीज़ें आपकी ख़राब होती रहती हैं। ओके, तो बिल्कुल दिन को अच्छा गुजारना है तो अपने आप को खुद खुश रखें, हर चीज़ अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे प्रोग्राम का वेट कर रहे होंगे कि आज क्या बनने वाला है प्रोग्राम में। आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार हमारी टीम की जानिब से। आज प्रोग्राम में क्या बन रहा है ये भी बताएंगे, लेकिन अभी ने जो बातें कही हैं कि जी हमें अवॉइड करना चाहिए बाहर की चीज़ों से आजकल, ख़ासतौर से जब ये मूनसून होता है तो यकीन करें हमारा ख़ुद भी बहुत दिल चाहता है कि समोसे भी खाएं और पकौड़े भी सब रेडी होकर और सब रेडी होकर कहीं से आ जाए। तो देखें थोड़ी सी मेहनत कर लें, लेकिन ये बाहर से जब चीज़ें आती हैं आपको बहुत नुकसान करती हैं। फिर दूसरी जो इमली की ख़ास बात की, मैं इमली के बारे में इतनी ज़्यादा टची हूँ कि मैं
घर से बाहर अगर निकली हूँ और मुझे कहीं इमली की चटनी मिले तो मैं उसको 10 दफ़ा उसको स्मेल करती हूँ कि उसमें से कैसी स्मेल आ रही है, बहुत देर तक उसको वॉच करती हूँ कहीं इसमें से कहीं झाग तो नहीं निकल रहा, क्योंकि वो आपको बहुत नुकसान करती है और क्योंकि इमली का थोड़ी सी भी देर बाहर पड़ी रहती है तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है, और जबकि आप बाहर जाते हैं चटनी में बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं और फिर वो बाहर ही होती है तो अमूमन वो ख़राब भी हो जाती हैं वो चीज़ें। लेकिन मैंने अमूमन देखा है कि वो बर्फ़ का एक बड़ा सा पीस जो है ना उसके अंदर डाला जाता है ताकि वो ठंडी रहे, लेकिन क्या भरोसा उस बर्फ़ के पीस का भी, आपको नहीं पता वो किस पानी से बनाया जा रहा है। तो बाहर जो ये पानी पूरी वगैरह है इसके पानी को ज़रा अवॉइड करना चाहिए इस मौसम में, लेकिन ये कि ठीक है वंस आप कभी कभी चल सकती हैं चीज़ें, और जब मौसम अच्छा होता है या आप सर्दियों का मौसम होता है इसमें इस तरह की चीज़ें चल जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर आप में भी थोड़ी सी रेजिस्टेंस पावर होती है और आप चीज़ों को सही कर लेते हैं अपने। लेकिन क्या है कि इस मौसम में क्या होता है हर चीज़ ज़रा सी वीक हो रही होती है तो जल्दी आपका स्टमक जो है अपसेट हो जाता है। बिल्कुल, तो इन चीज़ों को बेहतर करना है। फिर दूसरी बात है कि जो चीज़ भी लेकर आते हैं उसको बहुत अच्छा सा वॉश करें, जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको कम से कम इस्तेमाल करें, जहाँ ज़रूरत है शदीद ज़रूरत है, यानी जैसे हरा धनिया है, पुदीना है, आजकल जैसे कि अब बकरीद आने वाली है इसे आपको बहुत चीज़ें चाहिए तो इस वक्त इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन जैसे कि पालक वगैरह है इसका इस्तेमाल कम से कम करें, और ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बारिश के मौसम में आपको अवॉइड करनी होती हैं और ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे, क्योंकि बारिश के मौसम में आपको पता है आप देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में भी कितना रश रहता है, है ना, ये तो वहाँ बहुत चीज़ें। लेकिन आज हमने खाने के नाम आपने बताया मैं नहीं आज के, हाँ मुझे लग रहा है कि ये शेफ साहब ने खासे दिखा दिए होंगे। अच्छा मैंने दिखा दिया नहीं, लेकिन आज हम यहाँ पर बनाएंगे बिहारी कीमा बनाएंगे। बिहारी कीमा बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, ये आप बना रहे तो आप राइस के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, किसी भी अच्छी चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, बेहतरीन रहता है। इसके अलावा बनाएंगे ड्रमस्टिक कढ़ाई। अब मैंने सोचा कि नहीं थोड़ा सा इसको डिफरेंट भी कर लीजिए, तो गरम ड्रमस्टिक हांडी बनाएंगे हम, हांडी कढ़ाई आप जो भी है आप इसको बना सकते हैं, वो भी बहुत बेहतरीन। इन दोनों चीज़ों की मैरिनेशन है और उसके बाद हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर मैंने किया था कि बीफ का जो कीमा है वो मेरे पास हाफ के जी था, ठीक है ना, हाफ के जी के अंदर 1 टेबल स्पून भर कर या 1.5 टेबल स्पून आप पपीता लगा दें। अच्छा पपीते के साथ और भी चीज़ें लगा के आपको रखनी है, लेकिन चूंकि मैंने सिर्फ पपीता लगाया मैंने कहा आप लोगों को देखना भी होगा हम क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करें, तो क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करें ये आपको बताते हैं। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है जी, ये गया इसमें नमक, नमक मैं डालूंगी 1 टीस्पून। इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च ये इसमें जाएगी तकरीबन 1.5 टीस्पून, बिहारी की मैं तो थोड़ा चटपटा होना चाहिए, ये लगा के हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद कुछ और इंग्रेडिएंट्स जिनको हम शामिल करेंगे वो है दही, दही इसमें जाएगा तकरीबन 1/2 कप, लेकिन अब चूँकि मैंने पपीता पहले से लगा दिया है इसलिए मैं लगा रही हूँ, ठीक है ये चला गया। जाएगा इसके अंदर ये फ्राई की हुई प्याज, एक बड़े साइज़ की प्याज दीजिएगा, फ्राई कीजिएगा, क्रश कीजिएगा और इसमें डाल दीजिएगा। अच्छा फ्राई प्याज का आजकल जैसे कि बकरीद के दौरान गोश्त के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत होता है, काफ़ी चीज़ों के लिए हमें चाहिए होती है, तो काइंडली आप अच्छा सा प्याज को फ्राई कीजिए। लेकिन ये चूँकि बरसात का मौसम है तो इस मौसम में क्या होता है आपकी प्याज क्रिस्पी नहीं होगी, तो बाज़ार में भी कुछ अच्छी जगहों पर बहुत अच्छी प्याज मिलती है, जैसे मेरे पास ये जो प्याज है ना ये भी मैं एक जगह से तकरीबन अभी यकीन करें 20-25 साल ये हो सकता है उससे भी ज़्यादा वहीं से मैं ले रही हूँ, तो मैं वहीं ब्रांड की होती हैं, ब्रांड की नहीं होती, ये घर में कोई बनाता है और किसी शॉप के पर वो सप्लाई करते हैं, बहादराबाद में है ये, तो मैं वहीं से लेती, शायद आपको भी बताया हाँ, वो मुझे जगह दिखाई थी, आपा की सारी जगह मैं देख चुकी हूँ। अच्छा जी इसके अलावा सरसों का तेल, बिहारी खाने जब बनते हैं जैसे बिहारी कबाब बनते हैं उसमें भी सरसों के तेल का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है, तो ये गया सरसों का तेल, इसके अंदर ही थोड़ा सा प्याज का पीस था। अच्छा सरसों का तेल आपने इसमें कच्चा ही शामिल करना है, ठीक है जी ये चला गया। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये भुना हुआ थोड़ा सा मेरे पास है नारियल, पिसा हुआ नारियल, ये चला गया। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये ज़ीरा पाउडर, ये चला गया, ज़ीरा पाउडर या कुटा हुआ ज़ीरा आप इसमें डालेंगे। इसके अलावा धनिया पाउडर या थोड़ा सा भुना हुआ धनिया 1 टीस्पून ये डाल दिया। अब जाएगा इसमें मेरे पास यहाँ पे मौजूद है ये चने, जो भुने हुए चने होते हैं ना वो हमने ले लिया, उसको हमने पीस लिया, आप ये भी पीस के रख लीजिएगा, ठीक है ना,
ये क्या है कि हमको कबाब वगैरह बनाते हैं तो उसमें ये बहुत काम आते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम इसको 2 से 2.5 घंटे और मज़ीद इसको छोड़ देंगे। आप एक काम ये भी कर सकते हैं, अगर आपको रात को चाहिए आप सारे मसाले मिलाइए और उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले चूँकि मेरे पास बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट मौजूद है, तो मैं यहाँ पर इसका थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस तकरीबन ये गैस में 2 टेबल स्पून ये गया, और साथ ही ये विनेगर है मेरे पास, सिंथेटिक विनेगर मौजूद है, वाइट विनेगर, ये भी बेक पार्लर का है, ये गैस के अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून। ठीक है, ये डाल के हम इसको थोड़ा सी देर के लिए रख देंगे। जब हम ब्रेक से वापस, ब्रेक नहीं आया क्या, जब आ गया चले तो बताइए ना। अच्छा अच्छा, मैंने कहा आप बता रही, जब तक बता दें, वैसे भी मैं बोलूंगी तब भी आपने पूरा तो करना ही है ना। आप कौन सा कहेंगी ले लो ब्रेक, खराब हो गई मेरी रेपुटेशन। नहीं नहीं, मैं खराब हो गई, आपने मैं एक्चुअली बोल जाती ऐसे। अच्छा तो इजाजत, बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके ओके, ठीक है। तो बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का चिली गार्लिक सॉस, सिंथेटिक व्हाइट विनेगर, वो आपने इसके अंदर डाल दिया है ताकि हम फ्लेवर्स को और एनहांस कर सके, मजेदार कर सके, घर पर ही बना ले डिफरेंट पास्ता, ये तमाम चीजें, ताकि आप बरसात के मौसम में इस तरह के फूड को भी इंजॉय करें जो आपने घर पे बनाए हो, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला, होटल्स वाला जो है, टेस्ट, फ्लेवर, लुक, स्टाइल हो, जो भी आपको पसंद है, बस मार्केट से आपने लेकर आना है, बल्कि आप अपने किचन कैबिनेट्स में रखें ये तमाम चीज़ें, चाहे जब दिल करे बस निकालें। बैक पे इंस्ट्रक्शंस हैं, मसाला साशे मिक्स अंदर मौजूद है, बस वही डालें, घर के कोई मसाले डालने की टेंशन नहीं कि कौन सा डालना होगा, कैसे डालना होगा और क्या आएगा फ्लेवर। तो जी, बेक पार्लर ने ये आसानी कर दी है आप लोगों के लिए, 26 डिफरेंट वेरियंट्स ले आए हैं। तो अब अपनी रेसिपी तैयार करते जाएँ बिला खौफ व खतर कि क्या टेस्ट आएगा। बस अब आपको बहुत ही परफेक्ट और एक्चुअल जो रेसिपी का फ्लेवर होता है वो आपको मिल रहा है बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट के साथ। हमें जाना ब्रेक की तरफ। यहाँ पर बहुत ही शानदार सा कीमा बन रहा है जो कि आपकी बकराईद के लिए हो सकता है बहुत ही खास। मजीद डिटेल शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ पर बिहारी कीमा, बिहारी ना, हाँ। बिहारी कीमा, और आप देखें इसमें आपा ने कच्चा पपीता लगाया था, अभी रेडी नहीं हुआ, इसमें स्मूथनेस आप चेक कर सकते हैं। अच्छा सा शानदार सा ही हो गया, हाँ। मिक्स मैंने करके रख दिया। अच्छा, मसाला लगाने के बाद भी आप इसको अगर 1-2 घंटे रखेंगे तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। आ जाते हैं अपने, अच्छा इसको अभी हम रख देते हैं इसी तरह से, इसको हम बाद में कुक करेंगे। कैसे कुक करेंगे आपको बताएंगे। यहाँ पर आ जाते हैं हम अपनी सेकेंड रेसिपी जो कि बनने जा रही है, ड्रम स्टिक चिकन हांडी। जी जनाब, बड़ी शानदार सी रेसिपी है, इसके लिए ड्रम स्टिक्स मैं काम करती हूँ, बड़े बोल में कर लेती हूँ। ओके, कोई खास रीज़न होता है आप ड्रम स्टिक्स के साथ ही बनाना है तो? नहीं नहीं, इसका मीट ज़्यादा जूसी होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छा लगता है सबको, तो इसलिए मैंने सोचा इसकी भी बना के देख लेते हैं। और फिर ख़ासतौर से जब आपके घर में बाबी की हो रहा है तो ये बना लीजिएगा, यकीन करें सबको बहुत अच्छी लगेगी। ओहो चले जी, इसकी मैरिनेशन करेंगे। इसकी अभी मुझे नमक दीजिएगा, ये लीजिए नमक। नमक डालेंगे हम इसमें जायके के मुताबिक, लेकिन इस क्वांटिटी में मैं 1 टीस्पून करती हूँ, क्योंकि हम मसाला जब बनाएंगे ना तो उसमें भी डाल लेंगे। और इसके अलावा हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, ये मैरिनेशन हो रही है, हल्दी तकरीबन 1/4 टीस्पून, ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें चली गई। अब जाएगा इसके अंदर अदरक लहसुन, हम इसके अंदर शामिल करेंगे पिसा हुआ, तो ये गया पिसा हुआ अदरक लहसुन यानी पेस्ट की फॉर्म में तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। दही इसके अंदर जाएगा, मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, ठीक है जी, यानी 1/2 कप से थोड़ा सा कम ना। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, मिक्स करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे। इसको भी आप ओवरनाइट छोड़ेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही शानदार होगा, ठीक है ना। 8-10 आपने ले लेनी है ये ड्रम स्टिक्स ना, ठीक है। इसमें एक बड़े मज़े की बात ये है कि इसके अंदर एक ना गर्दन भी है, मुझे भी एकदम टूट गई क्या हो गया। नहीं, दो चीज़ें मैं देख रही हूँ इसमें, एक ड्रम स्टिक और एक थोड़ा सा पीस है, कोई मसला नहीं, आ गई इसके अंदर ना। अच्छा जी, इसको लगा के आपने रख दें, अब बनाएंगे, अच्छा जी सॉरी, ब्लैक पेपर, ठीक है ना, काले मिर्च का पाउडर, ये चला गया तकरीबन 1 टीस्पून। इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं बहुत अच्छे से, और ये मैरिनेट करके आप रख सकते हैं, ठीक है ना, एक दिन पहले आप रख दीजिएगा
तो बेहतरीन रिजल्ट आएगा इसका। ठीक है, ये हो गया। अब रहेंगे इसका मसाला। मसाले के इंग्रेडिएंट क्या हैं मैं आपको बताती हूँ। उसको बनाएंगे हम इस मिट्टी की हांडी में जो यहाँ पर रखी हुई है। इसको मैं गरम करने के लिए, अभी मुझे बनस्पति दीजिएगा। ओहो, आप बनस्पति में बना रही हैं जी। तो जी, आज क्या मतलब है, मैं तो हमेशा बनस्पति में बनाती हूँ, आपको पता है। वैसे इनकी कोशिश यही होती है कि भाई कुछ भी हो जाए, कुकिंग ऑयल में जो बन जाए सो बन जाए, अगर ज़रा मौका है तो वो फौजी बनस्पति। हाँ बिल्कुल, फौजी बनस्पति मुझे इतना शानदार लगा है कि बहुत ही ज़बरदस्त, दानेदार और खुशबूदार। और जनाब आपको पता है कि इसका जायका बहुत अच्छा होता है। और वीटी बनस्पति है, कोलेस्ट्रॉल से पाक है। अपनी रेसिपीज को जायकेदार मज़ेदार बनाना है तो फौजी सुप्रीम बनस्पति या फिर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। वैसे आपा तो बनस्पति बहुत प्रेफर करती हैं। जहाँ मैं तो अब बटर भी यूज़ करना होता है मैं यही करती हूँ। बटर, देसी घी, असली घी, इनके फ्लेवर्स आपको चाहिए होते हैं तो आपा कहती है बस फौजी बनस्पति ले लें, हटाएं बाकी चीज़ें और उससे हाँ, अच्छा फ्लेवर और टेस्ट बढ़ा सकते हैं अपने खाने का। अब हम इसमें डालेंगे एक प्याज। एक प्याज मीडियम सी हमने ले लिए, वो हमने बहुत अच्छी बारीक चॉप कर ली है, तो ये चली गई। इसके अलावा जाएगा इसके अंदर साबुत गर्म मसाला जो मिक्स है, वो गया। तेज़पत्ता भी है इसके अंदर, ठीक है जी, ये चला गया। इसके अलावा क्रश किया हुआ लहसुन अदरक, हमने पिसा हुआ भी डाला था लेकिन मसाले में हम क्रश किया हुआ भी ऐड करेंगे, जो ये चला गया। तकरीबन ये भी हमने 1.5 टेबलस्पून ले लिया। 2 से 3 जवे आप लहसुन के लीजिएगा, एक छोटा टुकड़ा आप अदरक का लीजिए। ये डाल दिया। ये डालने के बाद इसको हम मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, यानी हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद ये टमाटर जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, तकरीबन 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, ये मैं इसमें डालूँगी। इसके बाद अपने नमक, मिर्च, हल्दी अगेन। तो बिल्कुल जहन में रखिएगा कि जो मसाला हमने यहाँ डाला है वो बहुत अच्छा बैलेंस रहना चाहिए। ये ना लगे कि जी आपने इधर भी इतना डाल दिया, इधर भी डाल दिया, तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। मैरिनेशन में आप जैसे आपने पिसी हुई लाल मिर्चें, देखिए मैं हमेशा बार बार ये बात वाजह कर देती हूँ कि हमारे पास जो होती हैं, यानी मैं जो इस्तेमाल करती हूँ वो देगी लाल मिर्च का इस्तेमाल करती हूँ, तो वो अगर थोड़ी सी ज़्यादा भी चली जाए तो क्या होता है कि उससे उसकी हॉटनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट उसका कलर बहुत अच्छा सा हो जाता है। लेकिन एक अगर आप नॉर्मल लेते हैं, अपनी किसी भी ब्रांड की आप लेते हैं, उसमें क्या होता है हॉटनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर आप अपने हिसाब से डालिएगा जैसे कि आपके घर में यूज़ होता है, या आप ज़्यादा खा दें तो आप ज़्यादा डाल दीजिएगा। कलर इतना नहीं आएगा जितनी तेज़ी आ जाएगी। तेज़ी आ जाएगी, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये क्रीम भी है और हरी मिर्चें भी हैं। अच्छा, हरी मिर्चें जो है वो अभी जाएंगी, अभी मैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँ, ज़रा सा हो जाए तो मैं ये हरी मिर्चें भी इसके अंदर ऐड करूँ। 1 से 2 हरी मिर्चें आप चॉप कर लीजिएगा। सारा मसाला डाल के ड्रम स्टिक डालेंगे मैरिनेटेड और उसको अच्छे से पका लेंगे। कुक हो जाएगा, गल जाएगी, तो लास्ट में इसको हम भूनेंगे और डालेंगे इसमें, ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पे क्यूब कट प्याज 1 बड़े साइज़ की, 1 शिमला मिर्च क्यूब कट, थोड़ी सी कसूरी मेथी, हरी मिर्चें, ये डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 5 मिनट दम पे छोड़ेंगे। क्रीम भी डालेंगे, ये हमारे पास क्रीम रखी, डाल के 5 मिनट दम पे छोड़ेंगे और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो बेहतरीन सी बन गई ना, अभी आपा जितना बता जिस हिसाब से बता रही ना, अभी ये डाल रही होती तमाम चीज़ें तो रेडी कर चुकी होती। बिल्कुल, मैं इनको यही कहती हूँ, मैं रेसिपी इनको तंग करती रहती हूँ, मैं कहती हूँ आपा को अगर हम छोड़ देना, आपा कहें बस 2 ब्रेक में मैं सारी रेसिपी निपटा दूँ झटपट, क्योंकि भाई मुझसे तो इतना वेट होता नहीं। ये बहुत क्विक है भाई, बहुत जल्दी जल्दी करके फारिग करती हूँ ना मैं। किचन में भी जाती हूँ ना तो मेरा यही तरीका कहा था अभी कि मैं जल्दी जल्दी मैं कहती हूँ करके फारिग करें, उस वक्त मैं फ़ोन वगैरह सब एक साइड पे कर देती हूँ, कुछ नहीं करती। उस वक्त जब मुझे किचन में जाना है 2, 3, 4, 5 जितना भी बनाना है ना, ज़रा रेगुलरली तो नहीं इतनी बनती लेकिन जितना भी बनाना है ना वो एक साथ ही बना के निकलती। मेरे घर में कोई अगर दावत होती है, कोई गेस्ट आते हैं तो सैलड रायता भी अगर रात का है तो मैं दोपहर में ही बना के, यानी अगर 11 बजे बना रही हूँ तो मैं उसी वक्त बना के रखती हूँ। हमें अंदाजा है आप जितना एडवांस चलती हैं आप कर किया और रख दिया कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं, हम ब्रेक ले लें, ब्रेक से आके अच्छा बताएं या फिर अभी कर लें? नहीं, एक काम बस बता देते हैं कि हमने अच्छा इसकी मैरिनेशन में हमने जो बिहारी कीमा था इसकी मैरिनेशन में हमने सरसों के तेल का हमने इसमें इस्तेमाल किया था, ठीक है जी, ये हो रहा है। और मैं इसी चम्मच से डालूंगी यहाँ पर भी घी, यहाँ अब मैं घी का इस्तेमाल करूँगी। बनस्पति जो कि फौजी बनस्पति वीटी बनस्पति, इसमें 3 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, हमारी दोनों रेसिपीज फौजी बनस्पति में तैयार। और अब ये कीमा इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी, यहाँ पर बिहारी कीमा इसके अंदर शामिल करूँगी जो मैरिनेटेड है। यहाँ पर एक काम करते हैं कि हम हरी मिर्चें डाल देते हैं, ब्रेक आ गया अभी मुझे बाद में है ना, हाँ हरी मिर्चें और टमाटर बस ये डाल के, और उसके बाद आप जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बाकी मसाले आपके सामने डालेंगे, ठीक है। ओके डाने जी,
कोयला सुलग रहा है वो कीमे के लिए होगा आई एम श्योर। ठीक है, बिहारी कीमा, दूसरी तरफ ड्रमस्टिक्स हांडी जो कि एक बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार है, ये भी आपकी ईद की रेसिपीज में से एक हो सकती है। बहुत सारी मीट जो बीफ और मटन के साथ साथ कुछ चेंज हट के अगर आपको चाहिए तो इस तरह की रेसिपीज़ आपको आपा एक अगर वैसी दे रही ईद के हवाले से तो एक डिफरेंट दे रही है ताकि आप अपने ईद की दावत ईद की रेसिपीज़ को थोड़ा सा चेंज और बेहतर कर सकते हैं मेन्यू को पूरा। वेल, आगे क्या हो रहा है कॉल्स का सिलसिला ज़रूर जी शुरू करते हैं, बात करेंगे आप लोगों के साथ। फिलहाल ब्रेक का टाइम, फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। और यहाँ पर एक तरफ बिहारी कीमा, दूसरी तरफ ड्रमस्टिक्स की बहुत ही शानदार सी हांडी तैयार करी है आपा, और उसके लिए हमने ब्रेक में थोड़ा थोड़ा चीजें किए हैं वो आपा बताएंगी क्या। नहीं, ब्रेक में मैंने कुछ भी नहीं किया, बस सिर्फ मसाले को भूना है। उससे ये था कि हमने यहाँ पर हमने डाला था फौजी बनास्पति, उसमें डाला हमने एक प्याज, प्याज जैसी हो गई तो हुई नहीं थी, हमने उसी के साथ साथ ही हमने इसमें शामिल कर दिया उसको, क्रश किया हुआ लहसुन और अदरक, इसके अलावा साबुत गर्म मसाला था वो डाला, हल्का सा फ्राई हुआ टमाटर डाल दिए, और टमाटर डालने के बाद अब हम ये टमाटर को भी हल्का हमने गला लिया। अब मैं इसमें बाकी की नमक मिर्च मसाले डालूँ, मैंने आपसे कहा था ना जो क्वांटिटी लिखी है हाफ इसमें डालेंगे और हाफ हम इसमें डालेंगे। ये गया नमक इस मसाले के लिहाज से, इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ये तकरीबन 1 टीस्पून भर के इसमें शामिल करें, हल्दी एक तकरीबन 1/4 टीस्पून पहले डाली थी मैरिनेशन में और 1/4 टीस्पून भी हमने अभी शामिल कर दी, इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर देते हैं। चलो जी ये मिक्स हो गया और अब हम डालेंगे इसमें ये मैरिनेटेड हमारे पास जो ड्रम स्टिक्स हैं ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है जी, ये गया और ले लेते हैं स्पैचुला। चलो जी सारा ये आपको ज़्यादा देर मैरिनेट करनी है? हाँ, ओवरनाइट कर दें कोई मसला नहीं, क्योंकि ड्रम स्टिक्स हैं तो आपको टेंशन नहीं, बिल्कुल टेंशन की ज़रूरत नहीं। हाँ, उतना अच्छा मज़े का बनेगा, नहीं अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन आपको कट नहीं लगाना क्योंकि ड्रम स्टिक्स का ये ड्रॉबैक होता है कि ये जल्दी टूटना शुरू हो जाती है, तो आपने कट वगैरह कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, अब इस मसाले को मैं भून लूँगी। ठीक है, मसाले के साथ साथ हम इसको ड्रम स्टिक्स को भी हम अच्छी तरह से भून रहे हैं, और जब भून जाएगा तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, जस्ट यानी तकरीबन हाफ कप। ठीक है, हाफ कप पानी डाल के इसको गला लेंगे, जो जब ये गल जाएंगी यानी 5 से 6 मिनट में गल जाएंगी, गलेंगी फिर हम इसमें बाकी के ये सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर शामिल करके इसको बेहतरीन सी बना देंगे हांडी। ठीक है जी, इधर क्या सीन है? आ जाते हैं इधर इस इधर। ठीक है, बिहारी कीमा, अब ये देखिए जी कितना कोई बहुत ही जबरदस्त तैयार, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी है अभी तो आप देखिएगा इसकी खुशबू, और भी ये देखें कि कितना कोई अच्छा, ये देखें, ये देखा आपने, इससे मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली, पपीते से कितना शानदार इसका टेक्सचर हो गया, बेहतरीन हो गया। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, ये थोड़ा सा मेरे पास लेमन जूस रखा है तकरीबन 1 टीस्पून था, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, इसको मज़ीद मैं मिक्स कर लेती हूँ, थोड़ा सा हम इसको भून लेते हैं। ठीक है जी, ये भून रहा है, कलर इसका भी बहुत अच्छा है ना। हाँ। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको चूल्हे को बंद करेंगे, इसके बाद हम ये यहाँ पर ये रखेंगे, और इसके बाद हम ये जो कोयला बेचारा बहुत देर से दुहाइयाँ दे रहा है मैं इसमें रखती हूँ, और अभी अब आप इसमें ऑफकोर्स वाजी बनास्पति का ही आप डालेंगे इसमें, बिल्कुल पता है कि बनास्पति से अच्छा इसका स्मोक होता है, उसके फ्लेवर में बहुत फ़र्क होता है। ये क्या जनाब, इससे फौजी बनास्पति उसको कवर कर देते हैं, बस जब हम निकालेंगे तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और उसके बाद हमारे पास गार्निशिंग की जो चीज़ें रखी हैं सॉरी जिसमें कि हमने प्याज के रिंग है, टमाटर है, अदरक है, उससे डाल के हम इसको फिनिश कर देंगे। यहाँ पर इसको थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा, बस ये तैयार है, ये चूल्हा तो बंद हो गया बिहारी कीमे का बिल्कुल, और इसको भी हम बंद कर देते हैं क्योंकि बस ये भुन गया है, और थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, तकरीबन आधा कप के करीब पानी इसमें ऐड कर देते हैं क्योंकि अपना चिकन का अपना पानी, दही का पानी, ये सब भी होगा इसके अंदर ना, इसको मिक्स कर लेते हैं। ओके, ठीक है, अभी तो आपको ये मिलती जा रही है, हमारे ईद पे भी शोज़ होंगे तो ईद पर भी आपने मिस नहीं करना, बहुत ही ख़ास ईद की रेसिपीज़ आपने बकराईद के हवाले से तमाम हैं, जो कि डे 1 तो आप देखेंगे बहुत अच्छा पुलाव आपने रखा है प्लान, जो कि है
बादियानी पुलाव, वो भी बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी होगी। और वो तमाम लोग जो शौकीन है कि जी चॉप्स, गुर्दे और मगज़ और ये तमाम चीज़ें खाना पसंद करते हैं, सब एक जगह मिल जाएगा बहुत ही शानदार सा, जो कि हमारे ईद के शोज पर आपको नजर आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, है ना। और बहुत ही होगी शानदार सी रेसिपी, तो मिस नहीं करना। ब्रेक ले सकते हैं? बिल्कुल ब्रेक ले रहे हैं। अच्छा, ये दोनों चीज़ें दम पे हैं, ठीक है। इसको तो मैं हल्की आँच कर देती हूँ, ये तो बंद है, ये तो बंद है बिल्कुल, ठीक है। इसको मैं निकाल के अभी आप बल्कि निकाल ही लेते हैं, बस इतना काफ़ी है, बस इतना ही धुआं। वाह, बेहतरीन सा। और मैं बस ये कहती हूँ कि हमेशा ये जो थोड़ा सा ऑयल घी था, मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ ताकि फ्लेवर और अच्छा सा इसका हो जाए। बस को थोड़ा मिक्स करेंगे, निकालेंगे और सर्व कर देंगे। ओके, हमेशा मैंने देखा आप ज़्यादा स्मोक नहीं देती हैं, मैं भी यही चाहती हूँ कि खाने में स्मोक बस दूर ही तक ही सही है। मतलब वो फिर क्या होता है कि उसका सारे और फ्लेवर जो होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं, हल्का सा फ्लेवर आना चाहिए, क्योंकि बारबेक्यू जब हम करते हैं उसका फ्लेवर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि गले में डायरेक्ट उस पर ही हो रहा है, तो वही तमाम चीज़ों। लेकिन नहीं नहीं, आपने जो वैसे खाने बनाने तो हल्का फुल्का ही बस आप खोल का स्मोक दें ताकि हल्का सा ही रहे, जो कि आपके डाइजेशन पॉइंट से भी बेहतरीन रहेगा। अच्छा जी, हमें जाना है ब्रेक की तरफ, फिर मज़ीद आगे क्या हो रहा है बस थोड़ा सा ही काम रह गया, बस वो डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी के लिए ब्रेक, फिर आप लोग ज्वाइन करते हैं। बैक, और यहाँ पर बिहारी कीमा हो गया है तैयार, खुशबू ही खुशबू, स्मोक कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। कीमे का लुक आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा रिच और बहुत ही स्मूथ सा है ये, क्योंकि आपके चाय पराठे हो, पूरियां हो, नान, चपाती, जो दिल करे, बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा। फिर ये कि आप, मैं जैसे मेरे घर में सिर्फ कीमे से ना सैंडविचेस भी बनाए जाते हैं। सीरियसली है? सीरियसली मेरा बेटा बनाता है। ये इसको स्लाइस के ऊपर लगा दिया, स्लाइस को टोस्ट किया, उसके ऊपर लगाया, ऊपर एक चीज स्लाइस रखा और थोड़ी सी ग्रिल किया। उफ, बिहारी सैंडविचेस बिहारी। अच्छा जी, ये देखिए जी, हमारे यहाँ पर ये तैयार हो गया तकरीबन, इसमें से मुझे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा, इतना धुआं है ना। हाँ। अच्छा जी, चलें, खैर ये हो गया है, मैं इसको चूल्हे को तेज़ कर देती हूँ, इसको हम मिक्स करते हैं, क्योंकि हमें इसमें मसाला भी चाहिए जो कि यहाँ पर है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें मैं क्रीम, ये क्रीम थोड़ी सी ज़्यादा है, मैं कम डालूँगी, ये इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं इसमें क्रीम शामिल करूँगी, ये चली गई इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेते हैं पहले क्रीम को, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी, बहुत ही अच्छी आपको लगेगी इंशाल्लाह ताला। ये गई इसमें कसूरी मेथी तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा ये मेरे पास जो रखी हुई है प्याज, प्याज चली गई। इसके अलावा ये गई हरी मिर्चें, जितनी डालना चाहें अपने हिसाब से। ये गई इसके अलावा शिमला मिर्च इसके अंदर, ठीक है जी। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें हरा धनिया, ठीक है, डाल के हम इसको मिक्स कर लेते हैं इस तरह से कि ये बहुत ही अच्छा सा एक इसका, और ये बड़ी हल्की सी ग्रेवी वाली बहुत ही बेहतरीन रेसिपी जो है वो तैयार हो जाएगी। अच्छा, अब इसको मैं 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट मैं इसको दम पे रखूँगी, निकालूँगी, थोड़ा सा क्रीम और ये स्लाइस की भी अदरक मेरे पास मौजूद है, इसके साथ हम इसको सर्व कर देंगे। बेहतरीन, और ये तैयार हो जाएगी। तैयार हो गई। कौन कौन से ऐसे काम है जो कि हम बकरीद से पहले करके रख लें? आपका हम नियत कर लें कि हमें ये काम करना हो जाए, हो जाए। कच्चा पपीता, कच्चा पपीता, देखिए कच्चा पपीता तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम गोश्त में लगाते हैं, जैसे हम कबाब बनाते हैं, बिहारी कबाब बनाते हैं, बिहारी कीमा हमने बनाया, बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी करने के लिए बीफ में लगाने के लिए बेहतरीन है। कच्ची बिल्कुल आप ला के घर में रखें ताकि कच्ची का इस्तेमाल भी। फिर हरा धनिया, इसके अलावा मैंने आपको बताया था अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसके अलावा हरी मिर्च का पेस्ट, ये तीनों चीज़ें आप बना के रख लीजिए, उस ये भी आपकी मैरिनेशन में बहुत काम आएंगे। जैसे अदरक लहसुन है और हरी मिर्च का पेस्ट है, जैसे आप कोई कबाब बनाते हैं तो उसके अंदर भी इसकी मैरिनेशन बहुत ही बेहतरीन। टमाटर शमाटर का भी बना के, क्या चीज़ पेस्ट वेस्ट टमाटर का? देखिए पेस्ट मतलब मुझे लगता है कि जब आप इतनी चीज़ें और यूज़ करें तो 100 रुपये किलो टमाटर कर सकते हैं इस्तेमाल, किलो ही तो करेंगे या 2 किलो कर लेंगे, वो तो अभी से महंगे हो गए होंगे, क्या अभी से महंगे होंगे, बकराईद तक भी इतने मिलेंगे। बिल्कुल, उसमें यह है कि देखिए आप ये कर सकते हैं, बॉईल करके रख लें, बॉईल करें उसका छिलका उतार के रख लें, ठीक है ना, वो फिर ज़्यादा बेहतर रहता है, और उसको थोड़ा सा चॉप करके रख लें। अब जिस चीज़ में भी आप कढ़ाई में डाल रहे हैं, बिरयानी में डाल लें, किसी भी चीज़ में डाल लें तो वो सही रहेगा। आप अगर इसी तरह से पेस्ट बना के रखेंगे ना तो पेस्ट देखें हर चीज़ में काम नहीं आता। बॉईल करें, छिलका उतारें, मोटा मोटा चॉप करें, और उसके बाद आप उसको, वो थोड़ी सी स्पेस भी कम लेगा। अगर आप पेस्ट बना के रखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक तो पानी पानी बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता है सब फ्रीज़र आपको ज़रा खाली चाहिए होते हैं या स्पेस थोड़ी सी चाहिए होती है उसके अंदर, तो
पेस्ट बना के मुझे लगता है कि वो चीज़ों में इतना काम नहीं आता, वो कम चीज़ों में काम आता है। कढ़ाई में, बिरयानी में तो हम आराम से बॉयल किया हुआ, चॉप किया हुआ यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीन चार चीज़ें आप करके रख लीजिए, इंशाल्लाह ताला बेहतर रहेगा। और फिर मैंने आपको जलजीरा, मिंटी जलजीरा सोडा जो बनाना सिखाया था, उसके इंग्रेडिएंट भी तैयार रखिएगा, ताकि गोश्त वगैरह इस टाइप की चीज़ हैवी चीज़ें आप खाएंगे तो फिर ज़रूर आप इसका सही। लेमन यानी लीमू का इस्तेमाल भी आपने अच्छा करना है, लीमू के इस्तेमाल से आपका खाना हजम भी होता है और दूसरी के खाने का जायका भी बढ़ता है। तो लीमू भी ला कर रख लीजिएगा घर में, कुछ हर धनिया, हरी मिर्चें, ये तमाम चीज़ें आप अभी से करना शुरू कर दीजिए। अभी चार पाँच रोज़ हैं, लेकिन चार पाँच रोज तक सहेगा जो भी चीज़ लाए। हरा धनिया और पुदीना तो बिल्कुल लास्ट मिनट, क्योंकि आपका ये तो खराब होने के चांसेस हैं। दो दिन पहले आप लेकर आए, लेकिन उसको आपने वॉश नहीं करना, आपने करना है बॉक्स लेना है, बॉक्स के अंदर आपने टिश्यू पेपर बिछाइए, अखबार नहीं बिछाना। टिश्यू पेपर के ऊपर आपने हरा धनिए की गड्डी को खोल के रख दिया, खोलेंगे तो उससे उसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। और फिर दूसरी बात है कि टिश्यू पेपर रखा हुआ है, बीच में देख लीजिएगा कोई चीज़ अगर है उसके निचला हिस्सा आप थोड़ा सा काट दीजिएगा। हरी मिर्चें हैं वो भी इसी तरह से आप करके रख लीजिएगा, और हरी मिर्चों को भी आप किसी चीज़ को वॉश ना करें, वॉश करने से ज़रा सा ख़तरा ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा जल्दी जलने गले। आप लाएँ और ला के उसको थोड़ा सा कपड़े से साफ़ कर लीजिए और फिर उसके बाद रख दीजिए, इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर रहेंगी। ठीक है ये भी हमारा बिल्कुल ब्रेक भी ले लीजिए और ये हो गए, और इसको मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं कुक करना, ज़्यादा कुक करेंगे तो हमारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, यानी शिमला मिर्च और हरी मिर्च जो है उसका कलर अच्छा रहना चाहिए। ठीक है, चिकन भी क्योंकि ड्रम स्टिक है वो ये ना हो कि वो खाली स्टिक रह जाए उसकी। अच्छा जी, हमें जाना है ब्रेक की तरफ। यहाँ हमने बेक पार्लर द टू पास्ता एक्सपर्ट का चिली गार्लिक सॉस सिंथेटिक वाइट बनेगा, जो कि हमने बिहारी कीमा में ऐड किया था ताकि इसका फ्लेवर और टेस्ट इन्हांस हो जाए, मज़ेदार हो जाए। यहाँ सॉसेस भी अवेलेबल हैं, टोमेटो केचप एंड चिली गार्लिक सॉस का इस्तेमाल बेशुमार होगा, क्योंकि अब आगे तो जी कबाब, बारबेक्यू, ये तमाम ऐसी चीज़ें आ रही हैं जहाँ आपको ढेरों ढेर सॉसेस की ज़रूरत होगी। तो जी बेक पार्लर द टू पास्ता एक्सपर्ट ने आसान कर दिया, बस आपने पाउच लेना है, डालना है और जी इंजॉय करें अपनी हर तरह का फूड जो के होगा बकराईद का खास, वो भी हो सकता है बेक पार्लर द टू पास्ता एक्सपर्ट के सॉसेस के साथ। ठीक है जी, तो हमें जाना है ब्रेक की तरफ, और उससे पहले है रिकैप, फिर एक ब्रेक है, फिर हम आपको ज्वाइन करें। बिहारी कीमा, अच्छा बीफ कीमा आधा किलो, थली पिसी प्याज तीन खाने के चमचे, दही आधा कप, पपीते का पेस्ट एक खाने का चमचा, नमक मिर्च हल्दी हंस पे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च एक चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट एक खाने का चमचा, सरसों का तेल दो खाने के चमचे, बना पिसा जीरा एक चाय का चमचा, बना पिसा नारियल एक खाने का चमचा, बना पिसा धनिया एक खाने का चमचा, बने पिसे चने एक खाने का चमचा, तेल आधा कप, नींबू का रस हंस पे ज़रूरत, प्याज अदरक गार्निश के लिए, कोयला धुएँ के लिए। तरकीब, बीफ के कीमे में नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और पपीते का पेस्ट लगा के 2 घंटे के लिए छोड़ दें। अब इसमें बाकी तमाम अज्जा मिला के 15 मिनट के लिए छोड़ें, फिर तेल गरम करके इसमें मैरिनेट किया हुआ कीमा तेज़ आंच पर भून लें, उसके बाद नींबू का रस मिलाकर कोयले का दम दें, आखिर में प्याज अदरक से गार्निश करके सर्व करें। ड्रम स्टिक चिकन हांडी मैरिनेशन के अज्जा, चिकन ड्रम स्टिक्स 8 से 10 अदद, दही आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट एक खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हंस पे ज़रूरत। मसाले के अज्जा, तेल आधा कप, साबित गर्म मसाला एक खाने का चमचा, छोटी प्याज एक अदद, बड़ी चॉप टमाटर 2 अदद, कुटा अदरक लहसुन एक खाने का चमचा, नमक मिर्च हल्दी हंस पे ज़रूरत, चॉप हरी मिर्च 3 से 4 अदद, कसूरी मेथी एक खाने का चमचा गार्निश के लिए, चौकोर कटी शिमला मिर्च 1 कप, चौकोर कटी प्याज 1 कप, क्रीम आधा कप, अदरक हरा धनिया हंस पे ज़रूरत, हरी मिर्च हंस पे ज़रूरत। तरकीब, चिकन ड्रम स्टिक्स को मैरिनेशन के अज्जा के साथ मिक्स करें और रात भर के लिए छोड़ दें। मसाले के लिए तेल गरम करके साबित गर्म मसाला, छोटी प्याज, कुटा अदरक लहसुन शामिल करके फ्राई करें, साथ ही चॉप टमाटर, नमक मिर्च हल्दी डाल के मसाला भूनें, टमाटर गल जाएं तो मैरिनेटेड चिकन ड्रम स्टिक्स शामिल करके भून लें, उसके बाद आधा कप पानी मिला के ड्रम स्टिक्स गला लें। अब गार्निश के अज्जा मिलाकर कसूरी मेथी और चॉप हरी मिर्च डाल के दम पर रखें, उसके बाद सर्व कर दें। वेलकम बैक, और यहाँ आज की दो रेसिपीज दोनों भरपूर आपकी मेन कोर्स की हैं, मज़ेदार हैं, देखें इंजॉय करें।
चिकन में से तो अभी तक धुआं उठ रहा है क्योंकि ये हांडी में तैयार हुई है, हांडी एंड तक खूब खलती रहती है ना। यानी कि मतलब मैं ये कहती कि बस भी कर देना इतना पक रही, इसलिए हांडी में हमेशा ख्याल रखना चाहिए। एक तो देर से गर्म होती है, मैंने इसीलिए प्रोग्राम से पहले इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया था, मैंने लेट हटाई, चूल्हा बंद था उसमें धुआं निकला और देर तक गर्म रहती है और ठंडी बहुत देर से होती है। तो इसलिए जब भी आपको इसका चूल्हा ऑफ करना है ना, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि भाई अभी हांडी में 5 मिनट की कसर रहती है, आप चूल्हा ऑफ कर दीजिए, तो उसी की हीट में जो हमारी मिट्टी की हांडी है जो गर्म है उसी के अंदर ये तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आप बहुत ज़बरदस्ती दोनों रेसिपीज़ हैं, इसको ट्राई कीजिएगा। भाई ईद की दावतें वगैरह भी तो होती है, आप 100% मटन और बीफ तो नहीं कर सकते, थोड़ा चिकन भी कर सकते हैं, चेंज चाहिए होता है, बिल्कुल चेंज चाहिए होता है, क्योंकि आपकी दावत का पूरा मेन्यू अगर बीफ एंड मटन पे ही होगा तो और ख़ासतौर से ड्रमस्टिक कढ़ाई इस तरह बहुत अच्छी है, क्योंकि बच्चे वगैरह अमूमन क्या होता है ड्रमस्टिक ईजिली खा लेते हैं, तो बिल्कुल बनाइएगा और फिर इंजॉय कीजिए, बल्कि अपने लिए भी आज बस बना लीजिएगा ताकि हमको पता लगे कि कैसी बनती है, कैसी बन रही है। तो फिर आप और आप देखें ना, ऊपर आप आपने ढेर सारी क्रीम, हरा धनिया, अदरक और मतलब गजब की कर दी है इसको तैयार। बिल्कुल देखिए ये चीज़ें से थोड़ा सा हांडी में हमेशा ये कि जितनी भी हांडी बनती है उसमें क्रीम लाजमी पड़ती है, तो क्रीम गार्निशिंग में भी हमने यूज़ की और क्रीम हमने मसाले में भी यूज़ की थी ताकि इसका टेक्स्चर अच्छा सा क्रीमी हो जाए। उसके अलावा हमने शिमला मिर्च और प्याज जो डाली थी उससे मसाला अच्छा सा बन गया। आप ये देखिए खूब अच्छी मसाले वाली है, ये कढ़ाई से हटकर आपको लगेगी इंशाल्लाह। ओके और जी साथ में बिहारी कीमा जो कि आपकी ईद के लिए खास है, मज़े की रेसिपी से तैयार कर लीजिएगा। और ये भी एक ऐसा कीमा है कि जो आप पराठे के साथ रोटी के जैसे बताया और हमने लास्ट में ये भी बताया आप इसे सैंडविचेस भी बना सकते हैं बहुत शानदार से। तो चीज़ लगाइए, उसके बाद टमाटर के स्लाइस, खीरे के स्लाइस लगाइए, बेहतरीन बन जाएंगे। बस जबरदस्त, आपने तो एक रेसिपी ऐसी दे दी है, मतलब कीमा बनाए, कीमा बच जाए तो आप दूसरे दिन सैंडविच बना लें उसके और इंजॉय कर लें, है ना। अच्छे बनते हैं इसे और फिर सबसे बड़ी कि इतना वर्सटाइल ये कीमा है कि आप इसको मेन कोर्स से भी रख सकते हैं, शाम की चाय पे पूरियों के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, नाश्ता ब्रंच में भी कर सकते हैं। माय गॉड, तो कहीं नहीं रहा, सुबह से शाम तक आप कहीं ना कहीं इसे यूटिलाइज कर सकते हैं ना। वाह वाह वाह। अच्छा जी, हम आपसे इजाजत ले रहे हैं, एंड हो गया है इस वीक का, फ्राइडे आ गया है, 2 दिन बाद मुलाकात करेंगे, अच्छा सा वीकेंड गुजारेगा, मौसम को इंजॉय करें और यकीनन जो है बकरीद की तैयारियों में मसरूफ होंगे, तो वो जो वीक अब आ रहा है वो और ज्यादा मसरूफियात वाला होगा डेफिनेटली सबके लिए। तो इजाजत देते हैं, बिल्कुल फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से अच्छे से वीक के साथ, मजेदार सी रेसिपीज के साथ जो कि होंगी खास आपकी ईद के लिए। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।